अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल जायका सेन आज का। तो देखिए, मैं आपके लिए शाही पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है और सबको बहुत पसंद है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। फटाफट से बेल आइकन भी दबा लें और वीडियो को एंड तक देखें। मैं शाही पनीर किस तरह से बनाती हूँ, और बहुत ही सिंपल है, ईजी है, कोई तामझाम नहीं है। तो आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं बना के बताती हूँ आपको शाही पनीर की रेसिपी। शाही पनीर बनाने के लिए सबसे पहले उसकी ग्रेवी बनानी होती है। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है। अब पैन गर्म हो चुका है हमारा, तो मैं उसमें ऑयल डाल देती हूँ। वन टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होते ही हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे इसमें। चार लौंग, चार हरी इलायची, आठ से दस काली मिर्च, एक तेज़पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटा सा जावित्री का टुकड़ा। तो मैं ऐड करती हूँ एक एक करके। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, अब इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। अब एक टीस्पून जीरा जाएगा इसमें। इसको एक दो सेकंड भुनने के बाद गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, हाई टू मीडियम। तो अब मैं इसमें इस तरह से आठ दस लहसुन की कलियाँ और अदरक का टुकड़ा इस तरह से मैंने डाल दिया है। गैस का फ्लेम अभी स्लो कर लेंगे हम। इसको एक दो सेकंड भुनेंगे। अब ऑनियन डालेंगे, एक बड़े साइज के ऑनियन को मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है, क्योंकि अब इसे हमें मिक्सी में पीसना भी है। तो मैं ऑनियन को हल्का सा भून लेती हूँ, जैसा कि हल्का सा गोल्डन होगा तब तक मैं इसको भून लेती हूँ। फ्लेम अपना मीडियम टू स्लो में ही रखा है मैंने। अब इसमें मैं दो सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। बस ये एक फ्लेवर और कलर के लिए है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको ना डालें। मुझे पसंद है तो मैं इसीलिए डालती हूँ इसमें। हमारा ऑनियन थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, अब इसी टाइम में हम काजू डालेंगे। काजू मैंने 10-12 ले लिया है। काजू से एक हमारे ग्रेवी में बहुत ही रिच फ्लेवर और क्रीम फ्लेवर आएगा। तो मैं काजू के साथ में ऑनियन को और एक मिनट तक भून लेती हूँ। देखिए, ऑनियन हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे चार टमाटर को कट कर लिया है इस तरह से। इसको भी ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें, क्योंकि ये भी हमें पीसना है। तो मैं अब इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। मैं यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, क्योंकि हमें ग्रेवी नहीं देख के नमक ऐड कर लेना है, बाद में हम नमक ऐड नहीं करेंगे। तो नमक डालने के बाद मैं इसको स्लो फ्लेम में टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए ढक के छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारा टमाटर सॉफ्ट होने के बाद ही हम बाकी का मसाला ऐड करें। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए, टमाटर हमारा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, आप देख सक रहे हैं। तो मैं अभी इसमें बाकी का मसाला ऐड करती हूँ। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर।
अब मैं अच्छी तरह से इसको भून लेती हूँ 2 मिनट मसालों के साथ में। देखिए मसाले को मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे। टू टेबल स्पून के जितना। अब इसको ढक के हम 1-2 मिनट पका लेंगे तो हमारा मसाला बनके तैयार हो जाएगा। मैं ढक लेती हूँ। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें तो 2 मिनट बाद में आपको बताती हूँ। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा मसाला बनके रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब हम इस मसाले को कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए देंगे, उसके बाद हम मिक्सी में डाल के इसको पीस लेंगे। तो इसको ठंडा होने देते हैं। हमने जो ग्रेवी के लिए मसाला तैयार किया था वो एकदम से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको पीसेंगे। पीसने से पहले हमने जो इसमें तेज़पत्ता डाला था उसको हटा लेते हैं, उसके बाद ही पीसेंगे। तो मैं इसको डालती हूँ एक मिक्सी के जार पे। देखिए मैंने निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम पीसेंगे, 1 टेबल स्पून। थोड़ा थोड़ा देख के डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। तो मैं आपको पीस के दिखाती हूँ। देखिए मैंने पीस लिया है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। अब मैं इसको एक छलनी की हेल्प से छान लेती हूँ ताकि जो भी हमारा मसाला अदरक लहसुन किसी का भी थोड़ा सा दरदरा अंश जो रहता है रहेगा वो ग्रेवी में नहीं जाएगा और हमारा ग्रेवी जो है एकदम से क्रीमी और स्मूथ बनेगा जो कि बहुत ही मज़ा आएगा। तो मैं इसको छान लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए नीचे आ रहा है। देखा ना आपने किस तरह से ये जो मसाले का जो यहाँ पे थोड़ा ये रह गया है, ये दरदरा मसाला, इसको हम अलग कर लेंगे और हमारा स्मूथ सा ग्रेवी अलग कर लेते हैं। देखिए हमारा स्मूथ सा ग्रेवी तैयार है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं शाही पनीर। मैंने फिर से गैस ऑन कर लिया है। गैस पे एक कढ़ाई रख दिया है। तो चलिए ऑयल डाल देते हैं। ऑयल में 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। ऑयल गर्म करने के लिए मैंने गैस का फ्लेम हाई किया था, अब मैं गैस का फ्लेम स्लो कर दूंगी। और ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ किया था। अब इस ऑयल में मैं 1/2 टीस्पून और हल्दी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा ग्रेवी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आए। तो एक बार इस तरह से हिला लेंगे हल्दी के साथ। अब मैं इसमें अपना ग्रेवी डाल देती हूँ। फ्लेम अपना स्लो ही रखा है मैंने। ये देखिए अब हम इसको फ्लेम को बढ़ा लेंगे, मीडियम टू हाई टू मीडियम में रखेंगे और इसको 2 मिनट इसी तरह से पकने के लिए देंगे। देखिए हमने इस तरह से लगातार 2 मिनट चलाते हुए पका लिया था, मीडियम फ्लेम में पका लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करती हूँ, 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमने इसमें टमाटर डाला है और टमाटर को के खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए हमें शुगर ऐड करना ज़रूरी है ताकि इसमें क्रीमीनेस आएगा तो हमारा शाही पनीर एकदम शाही अंदाज में बनेगा। तो मैं अब इसको पानी ऐड कर देती हूँ। 1/2 कप मैंने पानी डाला इसमें। हम अब इसको ढक के पकाएंगे। मैं इसका लीड बंद कर देती हूँ। अब ढक देंगे मीडियम टू स्लो फ्लेम में। हम इसको 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे। हमारे ग्रेवी को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक कर लेंगे। देखिए कितनी रिच दिख रही है हमारी ग्रेवी। तो इसी टाइम में हम फ्रेश क्रीम ऐड कर लेते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम ऐड कर लूँगी इसमें। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप फ्रेश दूध की मलाई भी डाल सकते हैं।
एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने क्रीम डाल के। अब इसमें डालेंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बॉईल आने देंगे हम ग्रेवी में। उसके बाद हम पनीर ऐड करेंगे अपनी। देखिए ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम पनीर डाल देते हैं। पनीर आप अपने मर्जी से जितना डाल सकते हैं, आपको जितना पसंद है। एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है मैंने, अब ढक देते हैं और गैस को कर देते हैं ऑफ। देखा ना, हमारी शाही पनीर बनके तैयार हो चुकी है। तो हम इसको गैस ऑफ कर देते हैं, 2 मिनट बाद सर्व करेंगे। तो चलिए डिश आउट करते हैं हमारे शाही पनीर को। बहुत ही शाही खुशबू आ रही है हमारे डिश से, बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा शाही पनीर। तो मैं आपको प्लेट में निकाल के बताती हूँ। देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है हमारा शाही पनीर। अब थोड़े फ्रेश क्रीम से हम गार्निश कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा हरा धनिया रख लेंगे। हमारा डिश बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। तो देखा ना आपने कितने आसानी से और कितने मज़ेदार तरीके से शाही पनीर मैंने आपको बताया। ये कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस ग्रेवी को ध्यान से बनाना है। हमारा ग्रेवी रिचनेस होना चाहिए, तो पनीर का शाही पनीर भी हमारा बहुत ही मज़ेदार और रिच बनेगा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलती हूँ इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।